हार के बाद बीजेपी को दी गई हार्दिक की चुनौती का क्या होगा? क्या अपना आंदोलन वापस लेंगे हार्दिक पटेल? गुजरात चुनाव में अहम फैक्टर बन चुके हार्दिक पटेल के दावे इस तरह फुस हो जाएंगे, इसका किसी को भी इल्म नहीं रहा होगा। हार्दिक की सभाओं में जिस तरह से लोगों की भारी भीड़ जुट रही थी, उससे हार्दिक पटेल काफी उत्साहित हो रहे थे। हार्दिक का आत्मविश्वास इतना बढ़ गया था कि उन्होंने कच्छ सौराष्ट्र में 10 से ज्यादा सीटें जीतने की चुनौती तक दे डाली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि अगर बीजेपी इस इलाके में 10 से ज्यादा सीटें जीतती है तो वो अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। कच्छ और सौराष्ट्र में 54 विधानसभा सीटें आती है। पाटीदार बहुल इलाका होने की वजह से ये इलाका हमेशा से बीजेपी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन हार्दिक के कांग्रेस के साथ जाने की वजह से बीजेपी के लिए यहां की राहें मुश्किल हो गई थी। चुनाव में हार्दिक पटेल के आंदोलन का असर भी दिखा। कांग्रेस की सीटों में यहां जबरदस्त इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन बीजेपी को भी उस तरह का नुकसान होता दिखाई नहीं दे रहा जिसका अनुमान हार्दिक पटेल को था। कांग्रेस को हार्दिक पटेल से समझौते के बाद सबसे ज्यादा उम्मीदें यहीं से थी, लेकिन पार्टी यहां वैसा करती दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस फिर भी अपनी बढ़त से खुश तो हो सकती है, लेकिन हार्दिक पटेल के लिए सौराष्ट्र के चुनाव नतीजे परेशान करने वाले हैं। पाटीदारों के आरक्षण को लेकर हार्दिक जो आंदोलन कर रहे थे, उसका भविष्य भी गुजरात विधानसभा चुनाव से जुड़ चुका था। जाहिर है, नतीजे मनमाफिक नहीं आने पर आगे की राह मुश्किल होने वाली है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि हार्दिक पटेल के आंदोलन का भविष्य क्या रहने वाला है? क्या कांग्रेस खुलकर पाटीदारों के लिए आरक्षण आंदोलन का साथ देगी? ये भी बड़ा सवाल है। मगर फिलहाल तो सवाल यही है कि क्या हार्दिक पटेल अपने वादे के मुताबिक पटेल आरक्षण आंदोलन को वापस लेंगे या फिर वो इस आंदोलन से अलग हो जाएंगे। चुनाव के नतीजों ने इस सवाल को एक बार फिर से बड़ा कर दिया है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।